चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिका यय इष्टदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सब हाथ उठाकर बोलो बोलो हरे कृष्ण घुमा घुमा लो कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे चातर भगवान हरे राम 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 वैसे टुटा गोपीनाथ की। देखो हम लोग पीछे आवाज आ रही है, पीछे आवाज आ रही है, कहाँ तक आ रही है, हाथ उठाओ। तो हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में श्री क्षेत्र परिक्रमा करते करते अभी जिस स्थान पर पहुंचे हैं, ये स्थान का नाम है तोटा गोपीनाथ। क्या नाम बोलो? तोटा गोपीनाथ। कहती है तोटा गोपीनाथ मतलब क्या होता है? बोले तोटा मतलब होता है बाग, जहाँ पर सुंदर सुंदर आम के पेड़ हो, जहाँ पर सुंदर सुंदर है नारियल का कटहल का पेड़ हो, जहाँ पर जुई चमेली बेली तरह तरह का फूल खिला हुआ हो है, इसको उड़ीसा भाषा में कहते हैं तोटा। और गोपीनाथ मतलब वो बाग में जो गोपीनाथ जो ठाकुर को दर्शन किया है। इसलिए ये जो स्थान है, ये स्थान को मानी जाती है अभिरना बंसीबट। आपको पता है बंसीबट कहाँ पर है? अरे बोलो कहाँ पर बंसीबट? वृंदावन में, जहाँ पर श्री गोपीनाथ जी जिस बंसीबट को नीचे से ही वहां पर गोपीनाथ प्रकट हुए। यहाँ पर भी पहले एक बहुत बड़ा यहाँ पर बरगद का पेड़ था है, बहुत बड़े बरगद का पेड़ था यहाँ पर। इसलिए एक समय श्री चैतन्य महाप्रभु, अभी हम जाएंगे, जब श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ आते थे उनको ये लगता था जैसे हम वृंदावन में आ गए। हम आगे जाएंगे, सामने जो मंदिर है उसका नाम चटक पर्वत है, जिसमें देख लो वो प्रभुपाद का भजन स्थली है। वहां पर प्रभुपाद ने ये मंदिर को प्रभुपाद ने स्थापन किया है। जब प्रभुपाद ये पर्वत को दर्शन करते थे उनको ये स्मृति होता था, ये साक्षात गिरिराज गोवर्धन। बोले गिरिराज महाराज की। लगता है जय में आवाज ताकत नहीं है, कोई जय की है ये बोल रहे हो, जोर से बोलो बोले श्री तोटा गोपीनाथ की। भैया लगे प्रसाद सही सही पा रहे। इसलिए ये चैतन्य महाप्रभु इनको देख करके लगता था साक्षात गिरिराज गोवर्धन है। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा जाओ कहा बाहू ब्रजेंद्र नंदन, कृष्ण प्रेम में विभोर होकर के जैसे श्रीमती राधा रानी। चैतन्य महाप्रभु कौन है? बोले चैतन्य महाप्रभु कृष्ण स्वयं। लेकिन कलियुग में राधा रानी की प्रेम की महिमा को समझने के लिए ये स्वयं कृष्ण ही कलियुग में श्री चैतन्य महाप्रभु बन करके राधा जी की भाव और अंगकांति लेकर के, इसलिए इनका एक नाम गौर हरि। गौर मतलब क्या है? राधा रानी गौरी। हरि मतलब कृष्ण, गौर हरि मतलब राधा और ये कृष्ण, ये दोनों मिल करके इनका रूप श्री सचिनंदन गौर हरि। इसलिए जैसे श्रीमती राधा रानी कृष्ण प्रेम में दीवानी बन करके कहा जाओ कहा पाओ ब्रजेंद्र नंदन, वो श्याम सुंदर हमें कहा मिलेंगे, जैसे दिन भर राधा रानी इसी विरह में डूबी रहती थी। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु भी इधर आकर के एक दिन वो कृष्ण कहाँ हैं, वो बंसुरी वाले कहाँ हैं, वो श्याम सुंदर कहाँ हैं। एक दिन चैतन्य महाप्रभु दोनों हाथ उठाते हुए भक्त भागते आ रहे हैं, और जितने महाप्रभु का भक्त लोग थे सबके पीछे पीछे भाग रहे थे। महाप्रभु कहाँ जा रहे हैं? महाप्रभु यहीं पर आए, और यहीं पर आकर के यहाँ का जो रेती थी जो बालुका थी ना, उन्होंने यहाँ खोदना शुरू कर दिया। इतने में गोपी श्री गदाधर पंडित जी कह रहे हैं, बोले प्रभु जी यहाँ क्या खोद रहे हो? बोले गदाधर जी यहाँ पर एक दिव्य रत्न निकलेगा, मैं तुमको देना चाहता हूँ, तुम क्या ग्रहण करोगे? बोले प्रभु आप कोई चीज देना चाहते हो मैं कैसे ग्रहण नहीं कर सकता हूँ,
मैं जरूर ग्रहण करूंगा। फिर उनने मिट्टी को खोदते खोदते ना यहाँ पर जो वो जो ठाकुर को दर्शन किया, ये ठाकुर जी स्वयं ये मिट्टी के नीचे से वो रेती के नीचे से ये ठाकुर जी स्वयं प्रकट हुए। बोले श्री तोटा गोपीनाथ की। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसका जो सेवा की जो दायित्व है श्री गदाधर पंडित को दिया। गदाधर पंडित कौन है? ये स्वयं राधा रानी। अब बताओ कृष्ण को कौन सेवा कर सकती है? राधा तो सेवा कर सकती है ना, इसलिए उनका नाम राधा। राधा मतलब क्या है? राधा मतलब होता है कृष्ण ने आराध्यते इति राधा और कृष्ण समाराध इति राधा। मतलब विश्व ब्रह्मांड को तो कृष्ण को आराधना करते हैं, लेकिन कृष्ण किसको आराधना करता है? अरे बोलो जोर से। सारा दुनिया कृष्ण की सेवा करते हैं, लेकिन कृष्ण किसकी सेवा करते हैं? बाबा आप लोगों से बड़े बड़े पंडित ही लगता है, सब जानते हैं। इसलिए वृंदावन में जाकर के सेवा को जो देखोगे, जहाँ पर स्वयं परात्पर तत्व परम ब्रह्म भगवान कृष्ण स्वयं जहाँ पर राधा रानी की चरण की सेवा की थी, उसका नाम सेवा कुंज नाम पड़ गया है। इसलिए यहाँ पर उन्होंने श्री गदाधर पंडित को उन्होंने सेवा की दायित्व दे दिया है। इसलिए जो गोपीनाथ यहाँ प्रश्न करते, भैया मिट्टी को नीचे गोपीनाथ कहाँ प्रकट हो गए, ये ठाकुर जी कहाँ से प्रकट हो गए? बोले श्री राधा रानी के भाव में महाप्रभु डूबे हुए थे और कृष्ण यद्यपि सभी के हृदय में बैठते हैं। कहते ना वैष्णव हृदय सदा गोविंद विश्राम, भक्तों के हृदय में ही ठाकुर रहते हैं, लेकिन वो परिपूर्ण रूप में किसके हृदय में रहते हैं? कृष्ण के सबसे बड़े भक्त कौन है? बोले श्रीमती राधा रानी, जो कृष्ण को विशेष पूर्वक जो आराधना करती हैं, इसलिए उनका नाम श्री राधा। इसलिए मानो श्री चैतन्य महाप्रभु अपना हृदय से ही ये ठाकुर जी को गोपीनाथ जी को प्रकट किया है, गोपीनाथ जी को उन्होंने प्रकट किया। इसलिए यहाँ पर देखना जो ठाकुर जी है, यहाँ पर जो राधा रानी का रंग बताओ तो कैसे? गोरा। राधा रानी का रंग कैसे? गोरी, तप्त कांचन गौरांगी। लेकिन यहाँ पर राधा जी को देखो देखो, अब बताओ नजर नहीं दिखे, राधा रानी का रंग कैसे है? काली है, हैं? और वहाँ पर देखोगे जो राधा रानी हर समय कृष्ण की बाम तरफ में खड़ी रहती है, लेकिन आप किसी गोपीनाथ मंदिर में जाओगे ना, कहीं राधा जी को कृष्ण की बाम तरफ में नहीं देखोगे, उनकी डाहन तरफ में देखोगे। और उनका जो बाम तरफ में ना उनकी छोटी बहन अनंग मंजरी खड़ी रहती है। बोले ऐसे क्यों? बोले एक समय श्री अनंग मंजरी राधा रानी की छोटी बहन ही, वो बड़ी कृष्ण की सेवा करती थी राधा रानी की। एक दिन राधा रानी खुश हो गई, बोले तुम तो बड़ी प्यारी हो, बड़ी सेवा करती हो, बताओ तुमको कुछ चाहिए? बोले एक चीज दे सकती हो? बोले कभी कभी कृष्ण की बाम पार्श्व में जैसे आप खड़ी रहती है ना, कभी कभी हमें भी कृष्ण की बाम पार्श्व में कभी कभी स्थान दे दिया करो, हैं? तब राधा रानी बोली कोई चिंता नहीं, जब कलयुग आएगा ना, गोपीनाथ जी का जो बाम पार्श्व में मैं तुम्हें ही स्थान दे दूंगी, और मैं डांस अगर छोटी बहन कभी बोले हम तुम्हारी पति के साथ में रहना चाहते कोई दोगे? बोले भगा देंगे वहां से, है वहां से हम भगा देंगे उसको वहां से। इसलिए लेकिन राधा रानी बड़ी दयालु, राधा रानी बड़ी कृपालु है और सबको सेवा देने वाले श्री राधा रानी। यहाँ पर देखोगे उनकी बाम पार्श्व में राधा रानी खड़ी नहीं है, हैं? इनकी डान पार्श्व में राधा रानी खड़ी है, अब बाम पार्श्व में ये ललिता सखी खड़ी है, ये ललिता सखी खड़ी है, और उनको डान तरफ में श्री राधा रानी खड़ी है डान तरफ में। और ये राधा रानी काली क्यों हो गई? बोले कारण है, बोले कृष्ण चिंता निवेशन जस कांतिर बिलर पिता। इसलिए राधा रानी का एक नाम है श्यामा। क्या नाम है? श्यामा मतलब क्या है? श्याम मतलब काली है। इसलिए यहाँ पर राधा रानी काली क्यों? बोले कृष्ण की चिंता करते करते, जैसे इमिल तला में कृष्ण राधा रानी की चिंता करते 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 उन्होंने गौर रूप धारण किया था, यहाँ पर श्री कृष्ण चिंता करते करते यहाँ पर श्री काले रूप कौन हो गए? श्री राधा रानी। ललिता भी काली रूप है, हैं? इसलिए यही पर श्री गदाधर पंडित जी जो महा गोपीनाथ की सेवा करते थे, अभी धीरे 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 उम्र होते जा रही है, हैं? जो उम्र होते जा रही है, एक दिन गोपीनाथ जी से बोले देखो गोपीनाथ जी आपकी सेवा करना मेरे लिए बहुत कठिन है, आपको हम इतना सेवा नहीं कर सकते, आप इतने लंबे चौड़े हम इतना छोटे हैं, इसलिए हमसे और सेवा नहीं हो पा रहा है। इतने में श्री गोपीनाथ जी बोले, उनको बोले आप और एक सेवक ढूंढ लो।
अभी बताओ राधा रानी जैसे सेवा कर सकती है और इससे बढ़िया सेवा दुनिया में कोई कर सकते कृष्ण की? क्योंकि जो राधा रानी कौन है? बोले राधा रानी और कोई नहीं, बोले जापी राधा सापी कृष्ण जा राधा कृष्ण एवस एक ज्योति दिधा भिन्न राधा माधव स्वरूपम। कृष्ण ही अपनी सेवा शिक्षा देने के लिए कृष्ण स्वयं केवल उन्होंने राधा रानी रूप में प्रकट हुए। तत्व तो ये दो कोई दो है नहीं, तत्व तो ये एक है, लेकिन केवल लीला करने के लिए उन्होंने केवल दो हुए, इसलिए दो देह एक आत्मा ये दो देह। अभी कृष्ण की भावना का तो राधा रानी तो समझ सकती है ना, और कौन समझ सकती है? इसी जगत में देखना पति की सेवा यद्यपि सभी करते हैं, नहीं पुरुष का सेवा, लेकिन पत्नी को जितना सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में पति की सेवा पता है वो कैसे खुश होते हैं, उसी तरह कृष्ण की सेवा कैसे करनी चाहिए ये राधा रानी को पूर्ण रूप में पता है। अभी गोपीनाथ जी बोले मैं कहा सेवक ढूंढ, बोले कोई चिंता मत करो, कल सबेरे आकर देखना है ना, मैं कल सबेरे देखो मैं बैठ गया हूँ। सचमुच से जब वो दूसरे दिन आए, देखा जब गोपीनाथ जी खड़े थे ना, अब सारा दुनिया में देखो कृष्ण खड़े है ना, खड़े है ना, बैठे हुए कभी कृष्ण को देखे हो? लेकिन पृथ्वी में केवल एक ही जगह में देखोगे जहां पर गोपीनाथ जी बैठे हुए। बोले श्री तोटा गोपीनाथ की, क्योंकि भक्तों की प्रेम में बैठ गए। इसलिए गुरुदेव कहते थे कृष्ण तीन जगह पर बैठे हैं, तीन जगह पर उनको बैठने को मिलता है। कहाँ कहाँ पर? बोले एक रासलीला में जब गोपियों ने गोपी गीत को गाई है, गोपी गीत में भगवान प्रसन्न होकर के स्वयं भगवान प्रकट हुए और गोपियों ने अपना चुंदरी को उतारे, अपना चादर को उतार करके आसन दिया और भगवान वहां पर बैठे थे रासलीला को बीच में, गोपियों के बीच में। इसलिए वहां पर कहते हैं जहाँ परत पर तत्व विश्व ब्रह्मांड का जो मालिक, बोले जिनको बड़े बड़े जोगी ऋषि तपस्वी जिनको वशीभूत नहीं कर सकते, आज कहाँ पर भगवान बैठे? जोगेश्वर बोले गोपियों की चरण की, गोपियों की उत्तरी को ऊपर में, मतलब उनका प्रेम में वशीभूत होकर बैठे। और यहाँ पर गोपीनाथ जी बैठ गए, एक कारण सुने जब उनके लिए सेवा के लिए असमर्थ हो गए कृष्ण विरह में, महाप्रभु का विरह में इतने में बैठ गए, ये तीसरा कारण है। गुरु जी कहते थे यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित से भागवत कथा सुनने आते थे। जब गदाधर पंडित यहाँ पर भागवत कथा करते थे, वहां पर स्वयं चैतन्य महाप्रभु बैठ करके कथा सुनते थे। कौन सुनते थे? चैतन्य महाप्रभु। बोले क्यों सुनते थे? बोले कृष्ण की जो प्रेम का जो गुरु है ना, कौन? श्री राधा रानी, उनका प्रेम की गुरु राधा रानी है। इसलिए मानो यहाँ पर आकर के प्रेम की शिक्षा कहाँ से लेते थे? श्री राधा रानी से प्रेम की शिक्षा लेते थे। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कवि वृंदा देवी को बोले श्री राधा रानी तुम कहाँ से आ रही हो? बोले राधा कुंड से। बोले तुमने क्या देखा? बोले कृष्ण को नृत्य विद्या सीखते हुए। बोले कहा गुरु, उनका गुरु कौन? बोले उनका गुरु राधा कुंड को जितने लता पता वृक्ष है ये सब के सब उनके गुरु है, वही सही राधा जी के स्वरूप मान करके नृत्य विद्या की शिक्षा कौन ले रहे थे? भगवान कृष्ण स्वयं ले रहे थे। बोले श्री राधा रानी की। इसलिए जब यहाँ पर श्री स्वयं गदाधर पंडित राधा रानी कथा सुना रही है, देखो साधारण कोई भक्त कथा सुनाए तो उसमें कितना मिठास होता है, और जहाँ पर स्वयं राधा रानी कृष्ण कथा सुनाएगी आप बताओ कितना मीठा नहीं होगा? होगा कि नहीं? अरे हाँ कि ना बोलो। इसलिए थोड़ी देर बीच में तो कुछ बोला करो। इसलिए जब राधा रानी स्वयं कथा सुनाती है, अब ये गोपीनाथ जी क्या करे? गोपीनाथ जी बोले ये तो कृष्ण महापुरुष वही सुन रहे हैं, इसलिए गोपीनाथ भी आकर के बैठ जाते थे और बैठ कर क्या करते थे? कृष्ण कथा को गोपीनाथ भी सुनते थे यहाँ पर बैठ बैठ करके, समझ रहे हो? इसलिए यहाँ पर जो गोपीनाथ जी बैठे हुए, देखो गोपीनाथ जी और श्री चैतन्य महाप्रभु अंतिम समय में, बोले उन्होंने कहाँ पर अंतर ध्यान हुए हैं? बोले महाप्रभु यहीं पर आए और भक्तों को साथ में, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले सचिनंदन गौर हरी की, और यहीं पर श्री महाप्रभु भक्तों को साथ में नृत्य कीर्तन करते थे, और नृत्य कीर्तन करते 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 महाप्रभु अंदर में प्रवेश कर गए। प्रवेश करके अभी भी गोपीनाथ जी की उनका जंघा में एक चिन्ह है, जिधर से श्री चैतन्य महाप्रभु जिधर से उन्होंने प्रवेश किया था, अभी भी उनको जंघा में एक चिन्ह है जिधर से महाप्रभु प्रवेश किया था, और एक साथ में उन्होंने दो जगह पर महाप्रभु को अंतर ध्यान होते हुए देखा मिला।
एक तो गोपीनाथ मंदिर में और श्री जगन्नाथ मंदिर वहां पर भी महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे और कीर्तन करते करते वहां पर भी प्रवेश जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश किए और जगन्नाथ में ही लीन हो गए। क्यों? वही ये अचल जगन्नाथ और वो सचल जगन्नाथ हैं। इसलिए अरे यहीं पर जब गदाधर पंडित रहते थे, एक दिन श्री नित्यानंद प्रभु ने बंगाल से आए, कहाँ से आए थे? बंगाल से आए। जब बंगाल से आए ना, तब उन्होंने दो चीज लेकर के आए थे, कहते एक तो एक बड़े सुंदर वहाँ का चावल होता है, हैं? चावल होता है, और एक चीज लाए थे गोपीनाथ जी के लिए कपड़ा लाए थे। देखो एक चीज समझो, जैसे आप किसी रिश्तेदार के घर में जाते हो, अब खाली हाथ में जाते हो, कुछ ना कुछ साड़ी कपड़ा लता मिठाई, क्यों? प्रेम है, प्रेम है ना। जब वहां से वापस आते हो खाली हाथ में, वापस भेजते हैं, वो भी कुछ ना कुछ आपको देते रहते हैं। यहाँ शिक्षा देते हैं, अगर धाम में आओ, जैसे यहाँ पर कुछ भक्त लोग आते थे बंगाल से चल चल करके आते थे, खाली हाथ से नहीं, उसमें ट्रेन बस कुछ भी नहीं होता था, क्या करते थे? महाप्रभु को जो प्यारा चीज था ना, वो चीज को लेकर के बंगाल से, कोई महाप्रभु शौच क्रिया के बाद में जो मिट्टी में हाथ धोते हैं ना, उसको भी लेकर के आते थे, और करला सुखा करके साग भाजी क्या क्या महाप्रभु के लिए ले लेकर के आते थे भक्त लोग सर पर रख करके। और यहाँ पर कहते उसको कहते हैं किसका झाली? अरे राघव के झाली हैं ये, राघव पंडित सब लेकर आते थे। शिक्षा देते हैं, अगर हमारे सचमुच से भगवान के प्रति प्रेम है, खाली हाथ से कभी घर से यहाँ मत आया करो। जैसे आप किसी परिवार के लिए आप जाते हो, कुछ ना कुछ लेकर के जाते हो। जब मेरे गुरुजी थे ना, जब बंगाल से आते थे मेरे गुरुदेव, जानते हो वहाँ के आम, वहाँ के जामुन, वहाँ के सारे सुंदर सुंदर फल फूल लेकर के वो बंगाल से आते थे। इसलिए वो बंगाल से आते थे, हमारे गुरुदेव लेकर के आते थे। सबसे पहले उन्होंने चीज लेकर सारे मंदिर में, गोपीनाथ और हरिदास ठाकुर सारे मंदिर में, गंभीरा में सब चीज पहले भेजते थे, भर भर कर भेजते थे। क्यों? महाप्रभु का भक्तों ने आदर्श दिया है, ठीक है ना। जब अगली बार आना खाली हाथ से नहीं आना, कुछ सुनना कुछ, अगर प्रेम है, अगर प्रेम नहीं है तो जिसको प्रेम करते उसको प्रति करते कि नहीं, जीवन दे देते जिसको हम प्रेम करते हैं। इसलिए श्री नित्यानंद प्रभु जब आए वो खाली हाथ से नहीं आए, वहां से चावल, बढ़िया चावल, और गोपीनाथ के लिए कपड़े को लेकर के आए हैं, कपड़े को लेकर गोपीनाथ के लिए आए और यहाँ पर दिया। अभी गदाधर पंडित रोसे ही बनाए, श्री चैतन्य महाप्रभु रोज जाते थे समुद्र में नहाने के लिए जाते थे और दर्शन करते थे, इतने में महाप्रभु आ गए, बोले क्या हो रहा है? अरे साक्षात नित्यानंद प्रभु इतने सुंदर सुंदर चावल लाए, गोविंद भोग जानते हो, वो चावल इतने सुंदर अगर रसोई बनेगा ना, चारी तरफ में से खुशबू फैली जाती है। बोले इतने सुंदर चावल लाए नित्यानंद प्रभु, रसोई कौन बनाई? गदाधर। कौन? राधा रानी। वो अमृत हस्ता, क्योंकि दुर्वासा जी ने वरदान दिया है तुम्हारे हाथ में जो कुछ बनेगी वो अमृत बनेगी, इसलिए इतने सुंदर उन्होंने बनाया। और भोग किसको लगा? गोपीनाथ जी को। कहते ये चीज क्या मेरा इसमें क्या अधिकार है? नहीं, मेरे को क्या नहीं मिलेगा, तुम अकेले खाओगे। गदाधर पंडित बोले प्रभु आपको निमंत्रण देने का थोड़ी जरूरत, सब तो हम आपके लिए करते, आप तो हमारे जीवन है। बोले आप यहीं पर प्रसाद बना। बोले ठीक है, मैं समुद्र में नहा करके आता हूँ। जब नहा करके आए तो उनने चावल बनाया, उस समय यहाँ तो जंगली जंगल होता था, यहीं से उन्होंने फल फूल को लिया, पत्ते को लेकर के बड़े सुंदर उन्होंने सब्जी बनाई और खट्टा चटनी कैसे बनेगा? इमली जो पत्ता होता है ना, इमली पत्ता को रगड़ करके, समुद्र का पानी नमक है उसको दे करके, नमक दे करके उन्होंने बनाया, क्या बनाया? खट्टा बनाया। और गोपीनाथ जी को भोग लगाया, भोग लगाने के बाद फिर उन्होंने महाप्रभु ने सेवा की, सेवा के बाद में ना फिर जितने भक्त लोग थे सब लूटपाट करके खूब खाए, भगवान का प्रसाद ना गोपीनाथ फेरे, और स्वयं महाप्रभु जिसको पाए अब समझो उसमें कितने स्वाद नहीं होगा, और जिसको राधा रानी स्वयं जिसको बनाएगी अब बताओ उसमें कितने स्वाद नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर बड़ी सुंदर सुंदर लीला हुई थी, इसलिए ये स्थान का नाम है तोता गोपीनाथ है। ये जो गोपीनाथ अभी हमारे अनादि प्रभु भजन गा रहे थे, गोपीनाथ मम निवेदन सुना है, बड़े सुंदर भक्ति विनोद ठाकुर ने कीर्तन लिखा है। इसलिए हमारे श्री भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज कहते थे, ध्यान देकर सुनो, बहुत अच्छी बात कहते थे, बोले जिनको सचमुच से हृदय से भजन करना चाहते हो रोज ये भजन को गाओ, क्योंकि हमारी हृदय में इतने अनर्थ है, इतने कामना वासना क्रोध लोभ मोह से हमारे हृदय भरा पड़ा हुआ है, ऐसे हृदय में भगवान कभी बैठ नहीं सकते हैं। लेकिन ये हृदय की गद्दी
हमारे हृदय में तो गंदगी है, लेकिन हमें पता नहीं कितनी गंदगी है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने हमारे हृदय को उन्होंने बाहर निकाल कर रख दिया। इसलिए उन्होंने हमारे भक्ति विनोद बामन गोस्वामी महाराज बोले रोज ये कीर्तन को करो, ये कीर्तन को रोज करोगे ना हृदय का सारे गंदगियों को दूर कर सकता है। कौन कर सकते हैं? भगवान श्री गोपीनाथ जी कर सकते हैं। ये हमारी एक इनकी कृपा से हृदय से अनर्थ दूर होगा। और जो गोपीनाथ जी हमारी आराध्य देव है, ये हमारी प्रयोजन तत्व यही है। हम जो साधन भजन कर रहे हैं, हमारी जो लक्ष्य है क्या है? हमारे लक्ष्य गोपीनाथ है। हमारे गोपी भर तो पद कमल दास दासानुदास, महाप्रभु कहते हैं हम कौन है? गोपियों का जो भर्ता श्री कृष्ण चंद्र है। गोपियों ने जैसे कृष्ण को भक्ति की, यही भक्ति हमारी चरम लक्ष्य, यही भक्ति है। ठीक है, हम लोग बड़े गुरु जी के आशीर्वाद से यहाँ पर आए हैं। अब इसको दर्शन तो हो गया, अभी हम चलेंगे वो जो मंदिर है ना, जहाँ पर प्रभुपाद ने भजन किया था, और प्रभुपाद का ये प्रतिष्ठित ये मंदिर भी विग्रह है, वहां पर जाकर कथा सुनेंगे। फिर वहां से फिर हम लोग हरिदास मंदिर जाएंगे, ऐसे करते करते दर्शन करते करते जाएंगे। ठीक है, पिताई गौर प्रेमानंदे।